Okay, in this boundary operation question, we have to find the identity element, right? So the first of all, we have to find out the order, understand the order. क्या ऑर्डर दिया हुआ राइट तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ए बी की जगह वैसे करिए इसको लिखिए 1, 2, *3D, *3, 4 तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये ए और डी को मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 1 × 4 प्लस बी सी को मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 2 × 3 कॉमा बी डी मीन्स सेकेंड पोजिशन एंड फोर्थ तो 2, 4 तो इससे क्वेश्चन को समझ थोड़ा आसान हो जाता है अगर आपको डायरेक्टली ए बी सी में कन्फ्यूजन है तो इससे कर सकते हैं तो हमें निकाला आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि इफ़ वी ऑपरेट ए बी विद एन एलिमेंट एंड वी हैव द सेम रिजल्ट ए बी देन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इट तो वी हैव टू फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट तो वी विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन हियर यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं तो ये साइड क्या आ जाएगी तो आंसर है हमारा 1, 4 तो यानी 1 A × E2 प्लस यहाँ पे है 2, 3 यानी सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो BE1, 2, 4 मतलब सेकेंड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे BE2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू A, B अब कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकेंड वाला सेकेंड के साथ तो हमें मिल जाएगा BE2 = B यानी E2 हमारा 1 आ गया एंड AE2 + BE1 = A क्योंकि E2 हमारा 1 है तो ये A हो जाएगा BE1 = A A कैंसल आउट तो E1 आ जाएगा आपका 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो E1 E2 था वो बन जाएगा 0, 1 तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट आइडेंटिटी एलिमेंट ओके इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट A मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड A² = 5A + KI तो सबसे पहले काम होगा हमारा A² निकालना तो A² निकालते हैं यानी हम A मैट्रिक्स को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 - 1, 2 अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट को फर्स्ट से तो 3, 3 = 9 देन -1 देन 3 + 2 एंड देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -3 - 2 और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -1 + 4 तो इस तरह से हमारे पास A² आ जाएगा 8, 5 - 5 and 3 राइट अब इस A² की वैल्यू हम जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 8, 5 - 5, 3 = 5A यानी जब 5A निकालेंगे तो यहाँ पे हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 - 5, 10 प्लस के आई तो के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई होता है 1, 0, 0, 1 यानी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं तो 0 के राइट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 + K, 5 - 5, 10 + K और लेफ्ट साइड पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 8, 5 - 5, 3 तो जब कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो हम कह सकते हैं 3 हमारा 10 + K के इक्वल है तो 10 + K को जब 3 के इक्वल रखेंगे बट तो ये आ जाएगा K - 7 तो K की वैल्यू -7 आ रही है आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना यहाँ से कंपेयर करके भी तो यहाँ से भी K - 7 आ रहा है तो हम कह सकते हैं K की वैल्यू -7 होगी सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है थोड़ा सा कह सकते हैं गुड क्वेश्चन इट्स ए गुड क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन में आएगा बट डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ कंसेप्ट बेस्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 + x² है तो मैं कोशिश करूँगा न्यूमिनेटर में भी 1 + x² आ सके तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने 1 ऐड करा और माइनस कर दिया यहाँ पे सो दैट दिस इक्वेशन विल बी इन बैलेंस विल बी बैलेंस्ड राइट अब देखते हैं क्या हो सकता है अब मैं इसको सेपरेट आउट करूँगा 1 + x² को एक टर्म मान के और इसको एक टर्म मान के तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + x² / 1 + x² और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 1 - sin²x / 1 + x² और पूरे के साथ sec²x मल्टीप्लाई हो रहा है राइट तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1 × sec²x यानी sec²x माइनस ये टर्म बन जाएगी आपकी 1 - sin²θ cos²θ cos²x / sec²x / 1 + x²
और पूरे के साथ डी एक्स तो बाहर था ही, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वन, क्योंकि आपको पता है sec x और cos x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका आंसर आएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स ऑफ x। तो इसका आंसर आ जाएगा मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, तो हमारा आंसर आएगा tan x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ओके, एट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इफ यू सी द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी, देन वी हैव टू सर्च आउट दैट के आउट ऑफ दिस टू फंक्शंस वन विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द अदर, राइट। तो बेसिकली हमें देखना होता है कि यहाँ पे ये फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव हो सके। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करूँगा वो देखते हैं एक बार। तो x माइनस थ्री कैन बी रिटन एज x माइनस वन माइनस टू अपॉन x माइनस वन होल क्यूब डी एक्स। तो मैंने क्या किया इसमें, थ्री को ब्रेक कर गया ताकि वन अलग हो जाए और नीचे वाली टर्म बेसिकली जैसे वन सेम बन जाए। अब मैं इसको सेपरेट आउट करूँगा तो हम क्या देखेंगे, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का जो क्यूब है और टू अपॉन x माइनस वन का क्यूब डी एक्स, ये बन जाएगा x माइनस वन से एक पावर यहाँ कट जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा ई एक्स वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर देन माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब, राइट। एंड नाउ वी नो दैट इफ दिस इज अ फंक्शन वन बाई एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव इज माइनस टू अपॉन x क्यूब। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो इस प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आएगा ई एक्स एफ एक्स। तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी by using this property. So in this way we can solve these type of questions. Okay, now let us see the other part or part of this question. Generally in question mein hame kya karna hota hai ki ye jo power hai 4, generally jo yahan pe power hai 4, ye wali 4 power aur ye match karti hai, to hame kya karna hai is x e power 4 ko bahar le aana hai. To maine kya kiya, is power se bahar multiply kar diya aur andar x 4 se सबको डिवाइड कर दिया, राइट। इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया और नीचे है हमारे पास एक्स फाइव डी एक्स। तो आप नोट करोगे ये फोर फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स वन माइनस वन बाई एक्स क्यूब रिश पावर वन बाई फोर डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स फाइव। ये एक्स फाइव इसे कटेगा एक्स फोर, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी तो बन जाएगी 1 माइनस वन बाई एक्स क्यूब की पावर 1 बाई फोर इंटू वन बाई एक्स फोर। तो हम देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव बन सकता है यहाँ पर, तो 1 बाई एक्स क्यूब 1 माइनस को p एज्यूम कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 3, बिकॉज x की पावर माइनस 3 है ये, तो x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 3 और एक माइनस ऑलरेडी था तो प्लस प्लस x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर माइनस फोर, यानी एक्स की पावर फोर डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो आप कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, ये बन गया पी की पावर वन बाई फोर, ये बन गया डी पी बाई थ्री, क्योंकि मैं इस थ्री को नीचे ले जाऊंगा और इस थ्री को नीचे ले जाके बाहर कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पी की पावर वन बाई फोर प्लस वन, यानी फाइव बाई फोर अपॉन फाइव बाई फोर इंटू वन बाई थ्री प्लस सी। अब मैं इसमें पी की वैल्यू पुट कर दूंगा और फाइव बाई फोर को ऊपर ले जाएंगे, राइट। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, वन बाई थ्री था हमारे पास, फाइव बाई फोर ऊपर जाके फोर बाई फाइव हो गया, और पी था वन माइनस वन बाई एक्स क्यूब की पावर फाइव बाई फोर प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली फोर अपॉन फिफ्टीन वन माइनस वन बाई एक्स क्यूब की पावर फाइव बाई फोर प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, इन द नाइन्थ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, यानी ऐसे जितने भी सर्कल हैं जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं
ओरिजिन पे, उन सब की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि जो सेंटर होगा वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सच ए सर्कल बी ए, राइट। तो सेंटर विल बी जीरो कॉमा ए हो जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई करेगा, एंड ए कैन बी एनी रियल नंबर और रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसको मॉड कह रहे हैं। देखिए रेडियस होगी मॉड होगी, ये अगर नेगेटिव भी हो जाए तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन सर्कल आ जाएगी आपकी एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ये एच और के है, वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इक्वेशन सर्कल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करनी है। तो रूल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अब एक कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास ये 2 मैं कॉमन लेके उधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा वाई वाई डैश इक्वल टू ए वाई डैश। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू ए। अब हम ये ए की वैल्यू वापस एक्चुअल क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, राइट। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई माइनस ए जब करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ से वाई माइनस ए की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वाई माइनस एक्स की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो माइनस एक्स बाय वाई डैश का स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म आई, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल दो सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस मींस विच टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो टच करेगी एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे टच करेगी, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगी है वो हमेशा रेडियस के इक्वल होगी, करेक्ट।